हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो फ़ोन में कैसे आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, वीवो फ़ोन में किसी भी ऐप को हाइड करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देखते हैं, अभी हम आपके सामने दो ऐप्स को हाइड करने वाले हैं, वाईटी स्टूडियो हो गया एंड फेसबुक हो गया। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं इस प्रोसेस को जानने के बाद। तो गाइज, करना क्या है, सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सेटिंग को ओपन करेंगे, दोस्तों यहां से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी का। तो आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन। तो दोस्तों आपको सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, दोस्तों यहां से आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है एंड पासवर्ड को वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप पहली बार अगर आप ये काम कर रहे होंगे, दोस्तों यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। दोस्तों उन सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर फिल कर देना है एंड आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको ये सामने ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऐप इनक्रिप्शन मिलेगा एंड जस्ट नीचे आपको मिलेगा ऐप हेडिंग। तो आपको ऐप हाइड करना है तो आपको ऐप हेडिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐप हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, सबसे पहले एक सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपको मिलेगा ऑप्शन व्यू हिडन ऐप्स। तो आपको ये वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको इसे ऑन कर देना है एंड उसके बाद दोस्तों वेरीफाई पासवर्ड इसे भी दोस्तों यहाँ पे ऑन रहने देना है। एंड उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड आपको आपके मोबाइल में मौजूद सभी ऐप्स की लिस्ट शो होगी। तो यहाँ से आपको जिस भी ऐप को हाइड करना है सिंपली यहाँ से आपको उसे ऑन करना है। जैसे कि हमें फेसबुक को हाइड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। एंड दूसरा, हम वाईटी स्टूडियो को हाइड करने वाले थे तो हम वाईटी स्टूडियो को यहाँ से ढूंढ लेंगे एंड इसे भी इसी प्रकार से यहाँ से हाइड कर लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, अभी आपके सामने लाइव डेमो के लिए हमने दो ऐप्स को हाइड किया है। तो उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपको हाइड कर लेना है एंड अब दोस्तों आपको यहाँ से कट कर देना है। जिसे दोस्तों अब यहां से आप कट करेंगे तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं भी होम स्क्रीन पर हमारे जो दो ऐप्स दिखाई दे रहे थे, सो वो देख सकते हैं कहीं भी ऐप्स नहीं दिखाई दे रहे। और दोस्तों हमारे फ़ोन से जो है गायब ही हो चुके हैं दोस्तों यहां पर एंड कहीं भी दोस्तों ऐप्स दिखाई आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब आपको हाइड वाले ऐप्स को देखेंगे कैसे, उसके लिए दोस्तों आपको करना है सिंपली आपको होम स्क्रीन पर आना है एंड दोस्तों आपको दो उंगलियों को रखना है अपनी स्क्रीन पर। और दोस्तों दो उंगलियों को अपनी स्क्रीन पर रखने के बाद दोस्तों सिंपली आपको ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। जिससे दोस्तों स्वाइप अप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना, जो भी पासवर्ड सेट किया होगा। तो दोस्तों पासवर्ड जैसे दोस्तों आप सेट करेंगे डालेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो आपके हाइड वाले ऐप्स शो हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन होम स्क्रीन पर दो उंगलियों को ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। जैसे स्वाइप अप करेंगे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपके हाइड वाले ऐप्स शो हो जाएंगे। तो वह इस प्रकार से इजीली आप किसी भी ऐप को अपने फ़ोन में वीवो फ़ोन में हाइड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।